कार इज फिटेड विद अ कन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है. अ सेकेंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार. तो सेकेंड कार 2.8 मीटर पीछे है, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए, और वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है विद अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि पहली कार अपने आप को रेस्ट पे मानती है और उसको ऐसा लगता है कि दूसरी कार उसको ओवरटेक कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 15. तो यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है. आपको बताना है कि इमेज की स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था हमने, लेकिन लंबा तरीका था. ये सबसे सही तरीका है. आप मिरर का फॉर्मूला लिखें, इसको टाइम के साथ दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करें. तो ये टर्म क्या आएगी, जीरो, क्योंकि फोकल लेंथ तो चेंज होती नहीं है, फोकल लेंथ तो कॉन्स्टेंट है, जीरो. ये टर्म क्या आएगी, 1/v, v की पावर -1. ये टर्म क्या आएगी, u की पावर -1. तो -1 v की पावर -2 into dv/dt, ऐसी -1 u की पावर -u 2 du/dt. तो सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन आएगा. नॉन मेडिकल वाले तो पेपर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मेडिकल के लोग ये फॉर्मूला नोट कर लें, नहीं तो बाकी लोग भी कर लें, क्या दिक्कत है. पर नॉन मेडिकल को जरूरत नहीं है, वैसे मेडिकल वालों को जरूरत है. कौन करेगा ये स्टेप, तो ये करें. dv/dt यानी कि इमेज की स्पीड इज -v²/u² into du/dt. कर लें फॉर्मूला बुकलेट में, नोट ही कर लें, सारे स्टूडेंट्स नोट कर लें फॉर्मूला बुकलेट में. ये फॉर्मूला ये नोट कर लें प्लीज. नॉन मेडिकल वाले ये भी नोट कर लें, डिफ्रेंशिएट किया था ताकि याद आ जाए. आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ये स्टेप आया हमारे पास. अगर भूल गए कम से कम नॉन मेडिकल वाले तो कर ही लेंगे इसे. तो ये इमेज की स्पीड है, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है. मेरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, यू क्या है, -2.8 मीटर, मतलब 280 सेंटीमीटर यू. पहले काम करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे. मिरर फॉर्मूला लगा के पहले वी निकाल लेंगे. तो अब यू पता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वी पता लग गया. ऑब्जेक्ट की स्पीड 15 गिवन है, इमेज की स्पीड आ जाएगी डन. क्लियर है यहां तक आप? सब कुछ सेंटीमीटर में कर लो या सब कुछ मीटर पर सेकंड में कर लो, एक चीज कर लो. मीटर पर सेकंड है तो फिर मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, वो फर्क नहीं पड़ रहा ना यार. वी और यू सेंटीमीटर स्क्वायर, वो तो फर्क कट जाएंगे यूनिट्स. तो समझ में आ रहा है आपको, यू पता है तो वी आ जाएगा मिरर के फॉर्मूले से, और डी यू बाई डी टी आपकी कौन सी स्पीड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो वहां से इमेज की स्पीड भी आ जाएगी.